उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर के बीएड बीटीसी अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो मामले पहले से ही लंबित हैं। एक रिट 2022-23 से संबंधित मामला है, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को होना प्रस्तावित था। दूसरी सुनवाई है बिहार से जुड़े, जो वहाँ पर शिक्षक भर्ती चल रही है उससे जुड़ा हुआ मामला, जिसकी सुनवाई 28 अगस्त 2023 को होना प्रस्तावित था। लेकिन अब फिर से कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे इस पूरे फैसले पर, बीएड की एलिजिबिलिटी के पूरे फैसले के मामले में थोड़ा सा और अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि रीट से संबंधित मामले में 11 अगस्त को जो सुनवाई होने वाली थी, उस सुनवाई की तिथि एक बार फिर से परिवर्तित हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब जो टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ऑन 29 अगस्त 2023 दिखा रहा है, जो कि पहले 11 अगस्त था। तो 11 अगस्त की सुनवाई एक बार फिर से पोस्टपोन आप समझ सकते हैं, ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, हो सकता है अभी और भी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो 11 अगस्त की जो सुनवाई थी वो 11 अगस्त को अब नहीं होगी। इस केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में रीट से संबंधित मामला था, जो कि डायरेक्टली बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब 12 जनवरी 2023 को फैसले को रिजर्व किया गया था, उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीएड को ही पात्र करने के लिए, रीट में पात्र करने के लिए ये मामला है, और बीएड की पात्रता से संबंधित पहले ही फैसला रिजर्व हो चुका है। तो दोनों मामले कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जो कि मामला 11 अगस्त को सुना जाना था, अब वो मामला 29 अगस्त 2023 को सुना जाएगा, और बिहार से संबंधित मामले में 28 अगस्त को शायद डेट लगी हुई है। तो अभी आपको लंबा इंतजार करना होगा, अन्यथा की कंडीशन में अगर देखते 11 तारीख को सुनवाई होता तो कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन अब ये सभी चीज़ें पोस्टपोन हो चुकी हैं और 29 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।